या अली मदद, अलवाइज राय अबू अली मिशनरी, वाइज नंबर 503। या अली मदद, दो दिन से हमने पीरों की बातें सुनी, अगरचे मेरा दिल बहुत खुश न हो सका, इसलिए कि मैं बड़ी मुश्किल से 10-20% ही बता सका। पीरों की ऐसी और भी बहुत सी चीजें हैं। इंशाल्लाह अब तो मैं कनाडा में हूं, कभी न कभी जरूर आपकी खिदमत में आऊंगा, और किसी और वक्त एक एक पीर का हाल हम जिक्र सुनेंगे। आज हम इमामों की तवारीख में से उनकी जिंदगी की जो ऐसी हाईलाइट्स हैं वो जिक्र करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि जो बहुत कॉमन चीजें हमको हिस्ट्री में से मिल जाती हैं, अगर जरूरत जरूरी हुई तो मैं जिक्र करूंगा, वरना मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको वो चीजें सुनाऊं कि जो जनरली हमको पब्लिक की हिस्ट्री में के अंदर नहीं मिलती। इमाम जो हमारे हैं, मैं उनकी वादत में यानी इमामत का जो दर्जा है, मैं पहले ही दिन उस चीज का मैं जिक्र कर चुका हूं। आज हम शुरू करते हैं हमारे अव्वल इमाम मौलाना अली मुर्तजा सल्लल्लाहु अलैहि सलाम ने अपनी जिंदगी की बहुत सी चीजें हमारे सामने रखी। मौला अली, उनकी लाइफ की बहुत सी चीजें जो किताबों में मिलती हैं, मैं उसको ज्यादा टच नहीं करूंगा। मिसाल जैसा कि लड़ाइयां हैं, मौला अली अलैहि सलाम ने रसूलुल्लाह की जो बड़ी मदद की, इन चीजों को आप किताबों में पढ़ लेते हैं। लेकिन इमाम के तौर पे उन्होंने और भी ऐसे बहुत से काम किए कि जो आमतौर पे हमें हिस्ट्री में मिलते नहीं। मौला अली की जिंदगी की इमामत के जामे की जो चीजें मैं आज आपके सामने रखूंगा, आपको काफी मजा आएगा। अलबत्ता जाहरी तौर से हिस्ट्री का हिसाब देखें तो रसूलुल्लाह के बिछौने पे सो जाना, हिजरत के पहले रसूलुल्लाह के लिए लड़ना, सारी जिंदगी उनके लिए कुर्बानियां करना, बदर और उहद और हुनान की और खैबर की इन तमाम लड़ाइयों के अंदर आप हजरत अली की जिंदगी का ख्याल करो तो हमको तमाम हजारों साल की ह्यूमन हिस्ट्री में कोई भी मुल्क की हिस्ट्री दे लो तो हमको अली के सिवा और कोई दूसरा ऐसा शख्स नहीं मिलता कि जिसने जिंदगी के अंदर कभी हार नहीं उठाई। मौला अली किसी भी लड़ाई में कभी हारे नहीं। हालांकि हजरत अली की हालत यह थी कि जब भी लड़ाइयों में जाते थे तो दुश्मन के अंदर घुस जाते थे, चारों तरफ दुश्मन होते थे, अपनी पगड़ी को एक हाथ में रखते थे और दूसरे हाथ से जुल्फिकार फिराते थे, घोड़े की जीन पर बैठते थे मगर घोड़े की लगाम न हाथ में पकड़ते थे न मुंह में पकड़ते थे, और घोड़ा भी उनके इशारे पे चलता था। कभी किसी शख्स ने कोशिश करने पर भी हजरत अली को पीछे से कभी घाव नहीं किया, मारा नहीं। तो ये हजरत अली की जो दुनियावी चीजें थी वो इस तरह की थी, लेकिन मैं आपको हजरत अली अलैहिस्सलाम की इल्मी और जो फकीराना चीजें थी वो बयान करता हूं। इनकी सोर्सेज हमारे इमामों के फरमान, हमारा इस्माइली लिटरेचर खसूसन तौर पे गिनांस हैं। मौला अली की फकीरी का जिक्र सतवैनी के अंदर आता है, बीबी फातिमा की फकीरी का जिक्र भी आता है। यहां फकीरी से मतलब अरबी जबान का ये जो लफ्ज है फकीर, हम हिंदुस्तान के अंदर भिखारियों को मांगने वालों को फकीर कहते हैं, ये रॉन्ग है, गलत है। फकीर का जो लफ्ज निकला है वो फकर से निकला है, और फकर कहते हैं कंटेंटमेंट को। इसका एक और नाम भी है कनायत, यानी कंटेंटेड रहना। फकर का मतलब यह है दरवेशी।
رسول پاک کی ایک حدیث ہے کہ مجھ کو میری فقیری کے اوپر مجھے فخر ہے، الفخر و فخری، میری جو فقیری ہے وہ میرا فخر ہے، یعنی آئی ایم پراؤڈ آف مائی درویشی. تو حضرت علی علیہ السلام کی فقیری ایسی تھی، درویش جس کو کہتے ہیں، جیسے کہ ہم کو گنان میں ملتا ہے آلے تو روزی نہیں تو روزہ. رسول اکرم بہت دفعہ گھر میں آتے تھے تو پوچھتے تھے کچھ پکا ہوا ہے، دو دو تین تین چار چار دن گزر جاتے تھے تو کبھی بیوی میں کسی بیوی نے کہہ دیا یا نبی اللہ کی برکت ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے کچھ پکایا نہیں، تو حضور فرماتے تھے اچھا آج میں نے روزہ رکھ لیا، تو روزے کی نیت باندھ لیتے تھے. حضرت علی علیہ السلام کا بھی یہی کام تھا. میں نے آپ کو پہلے دن ذکر کیا کہ دوسرے دنیا کے جتنے بھی صوفی ہیں، دوسرا کا جو لفظ ہے میں نے اسماعیلیوں کے سوا رکھا ہے دوسرے، وہ تمام کے تمام اس بات کے اوپر ایگریڈ ہیں کہ جو صوفی مذہب ہے فقیری اور درویشی ہے وہ حضرت علی سے چلی. مولا علی جو کی روٹی کھاتے تھے، جو کو انگلش میں بارلے کہتے ہیں. کسی دن ٹرائی کر کے دیکھو، میں نے ٹرائی کی، جو کی روٹی چمڑے کی طرح، لکڑی کی طرح سخت سوکھی ہوتی ہے، دانت سے چبائی نہیں جاتی. مولا علی ایک روٹی پکواتے تھے تو اس روٹی کے 30 ٹکڑے کرتے تھے، 30، اور یہ ٹکڑے ایک چمڑے کی بیگ میں رکھتے تھے. ہر روز ایک ٹکڑا نکال کے آپ اس کو کھاتے اور پانی کا ایک پیالہ پی لیتے، بس 24 گھنٹے کیا کھانا ہو گیا. اب خیال کرو، آج کی دنیا کا حساب کرو، اس کو نیوٹریشنل فوڈ تو کہیں ملی نہیں، نہ وٹامنس ملے نہ پروٹینس ملے، ایک روٹی کے چھوٹے ٹکڑے کے اوپر بارلے کی سوکھی روٹی اور پانی پی کے یہ طاقت اور قوت کہ درے خیبر جو 40 فٹ اونچا تھا، 20 فٹ چوڑا تھا اور لگ بھگ 1.5 فٹ جتنا وہ موٹا تھا، لوہے سے بنا ہوا، اس کو دو انگلیاں نیچے ڈال کے مولا علی نے ہلایا تو سارا دروازہ ہل گیا، اکھڑ گیا، اور دروازے کو پھینکا تو پتہ نہ لگا کہاں تک گیا. خیبر کی لڑائی پوری ہو گئی. ابو رافع نام کا ایک بڑا ریسلر پہلوان تھا، وہ 7 آدمی لے کے آیا، یہ 7 مل کے ایک کونا اس کا اٹھا نہ سکے. یہ طاقت کدھر سے آئی؟ یہ انسانی کمال نہیں، یہ خدائی طاقت ہے. مولا علی ایک دن اسی طرح سے روٹی لے کے بی بی فاطمہ کے ہاتھ سے تو چھری سے اس کے ٹکڑے کاٹ رہے تھے. حضرت امام حسن حسین دیکھ رہے تھے، ہنس رہے تھے دونوں بیٹے. یہ ٹکڑے کاٹ کے مولا نے بیگ میں ڈالے دوسرے دن کے لیے. حضرت حسنین، حسنین پلورل ہے دونوں بیٹوں کے لیے، حسنین کا مطلب حسن حسین دونوں، ان دونوں نے تھوڑا سا بٹر لے کے، اب باقی غیر حاضری میں، یہ ٹکڑے نکالے اور تھوڑا تھوڑا بٹر چوپڑ دیا. اس لیے چوپڑ دیا کہ ان بچوں نے ٹرائی کی تھی کھانے کی تو چبا نہ سکے، انہوں نے سوچا تھوڑا گھی لگاویں تو ذرا نرم ہو جائیں. دوسرے دن صبح مولا علی نے جب ایک ٹکڑا نکالا تو ہاتھ چکنے ہو گئے، دیکھا تو بٹر لگا ہوا تھا. بی فاطمہ کو پوچھا تو کہا آپ کے بیٹے لگا گئے ہیں، کچھ بولے نہیں. یہ باقی کے جتنے یہ 30 ٹکڑے تھے وہ فقیروں کو دے دیے اور کہا کہ ایک دوسری روٹی بنا دو، اور بازار جا کے ایک چھوٹا سا کفل لے کے آئے تالا، اور وہ چمڑے کی بیگ کے اندر سوکھے ٹکڑے رکھ کے تالا لگا دیا، چابی کھیسے میں لے گئے. بہت دنوں کے بعد کوئی ایک مہمان آیا، یمن کا گورنر تھا، مولا کی خلافت کے زمانے کی بات کرتا ہوں. وہ گورنر کو مولا نے گھر کھانے کے لیے بلایا، کھیسے میں سے چابی نکالی، تالا کھولا، اندر سے 2 ٹکڑے نکالے، ایک اس کو دیا، ایک خود رکھا، پانی کا پیالہ رکھا. اب وہ یمن کا گورنر مرغ پلاؤ
अच्छे अच्छे खाने खाने वाला आदमी, मौला तो मालिक था उसका, बोल ना सका। अब वो टुकड़ा मुंह में रखा, दांत से दो हाथ से खींचता है मगर टुकड़ा टूटता नहीं। मौला तो नजर नीचे करके अपना टुकड़ा खा रहे थे, घड़ी घड़ी पानी पिए मगर वो अंदर टुकड़ा सॉफ्ट हो रहे ही नहीं, बड़ा परेशान, निमक नहीं, मीठा नहीं, कुछ नहीं। आखिर थोड़ी देर के बाद कहता, या मौला थोड़ा सा निमक मिल जाए। हुजूर ने ताली बजाई तो घर की मेद आई, उसने मौला जी ने कहा कि थोड़ा निमक लाओ। कभी भी फातिमा ने कहा भी निमक तो नहीं। मौला अली का वुजू करने का जो लोटा था वो लेके मॉर्गेज रखा और थोड़ा निमक लेके आए। उस गवर्नर ने थोड़ा निमक के साथ मुंह में डाला, बड़ी मुश्किल से चबा चबा के खाया, पानी से पेट भरा और झकार लेके कहकर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मौला ने फरमाया, ये शुक्र का कोई मुकाम नहीं, शुक्र वो था कि तुझको जो मिला तू खाए, तूने मेरा लोटा मॉर्गेज रखवा के नमक मांगा, अब तू शुक्र करता है। माफी मांगी, ये मौला फकीरी थी, ये दरवेशी थी। एक दफा किसी एक लड़ाई में एक मेद आई, उस जमाने के अंदर जब जीत जाते थे लोग तो माल दौलत भी लेते थे और औरत मर्दों को गुलाम बना लेते थे, जब वो मुसलमान हो जाते थे तो फिर उनको फ्री कर देते थे। ये मेद जो थी ये कीमियागर थी, यानी केमिस्ट थी। मौला अली की गरीबी देख के इसको ऐसा हुआ कि मैं अपनी सेठ को राजी करूं तो शायद खुश होकर मुझे फ्री कर दे। घर में कोई था नहीं, मौला अली की पीतल की ढाल थी, पीतल यानी कॉपर तो तांबा होता है, ब्रास को पीतल कहते हैं, और तांबा सॉफ्ट होता है, ब्रास हार्ड होता है। पीतल की ढाल थी, शील्ड लड़ाई के अंदर सामने रख के लड़ते थे, बड़ी वजनदार थी। इस औरत ने, इस गुलामड़ी ने इस पीतल की ढाल को गर्म किया और कुछ ऐसी दवा लगाई कि सोना बन गई। बड़ी फखर के साथ मौला अली जब आए तो उनके पास पेश की, कहते हैं आका मैं एक आपकी खिदमत करना चाहती हूं, अगर आप खुश हो जाएं तो मुझको उस खिदमत के बदले में आजाद कर दें। पेश की कि आपकी ये ढाल थी, आपकी गरीबी देख के मुझे ऐसा हुआ कि मैं आपकी गरीबी दूर कर दूं, ये सोना बन गई है। मौला बहुत हंसे, उस ढाल को हाथ में लिया, ऐसा जोर से हिलाया, वो वापस ब्रास में टर्न हो गई, कहा जाओ रख दो। वो औरत हैरान, हुजूर कहते हैं हाँ मेरे साथ, बाहर एक पत्थर पड़ा था, हुजूर के हाथ में नेजा था, वो पत्थर के ऊपर नेजा मारा, वो पत्थर सोना बन गया। आपने फरमाया तू ये समझती है कि मैं गरीब हूं, तू ये समझती है कि मेरे पास खाना पीना नहीं, दौलत नहीं, सारा पत्थर सोना बन गया। फौरन पांव पे गिरी और कहती है या मौला मैं मुसलमान होती हूं। हुजूर ने फरमाया मैंने तुझे आजाद किया, फिर उसकी शादी करवा दी। मौला अली अलैहिस्सलाम के इस किस्म के बहुत से वाकयात जो हमें हिस्ट्री में नहीं मिलते मगर बाज सूफियों किताबों के अंदर हमें मिलते हैं। ये तो एक बड़ा मशहूर वाकया है और मैं उसको हाईलाइट्स में गिनता हूं कि मौला अली को जख्म लगा। एक दफा एक तीर पड़ा आपकी राइट पांव के जो पिंडली है यानी काफ जो है हमारा नीचे का, उसके अंदर वो तीर घुस गया। अब किसी हिसाब से वो तीर निकलता नहीं था सिवा कि उसका ऑपरेशन किया जाए। मौला अली ने फरमाया छोड़ दो, देखो मैं अभी नमाज पढ़ता हूं तो नमाज के अंदर खींच लेना। मौला अली खड़े हुए और आपने ध्यान जो लगाया तो लोगों ने वो खींच लिया, पता भी नहीं लगा, इतनी कॉन्सेंट्रेशन थी। तो मौला अली अलैहिस्सलाम की ऐसी बहुत सी बातें हैं कि जिन बातों को हम पॉलिटिकल नजर से नहीं देख सकते लेकिन मोहब्बत की नजर से देखते हैं। आपकी एक और बात सुनाऊं, एक दफा हुजूर खिलाफत के जमाने में रात को बत्ती जल रही थी, वो जमाने में तो आपको मालूम है ना तेल का छोटा सा दिया बत्ती दीपक की तरह जलता था लैंप,
एक शख्स ने दरवाजा खटखटाया, आप खड़े हुए, इसने सलाम किया, दरवाजा जब खोला तो हुजूर ने पूछा खिलाफत के काम के लिए मिलने आए हो? कहा नहीं या ना अली, मैं आपसे अपनी जाती, मेरा कोई पर्सनल काम है। फरमाया ठहरो, अंदर जाके वो देख रहा है। मौला ने एक दूसरी बत्ती जलाई और वो पहली बत्ती जलती थी उसको बुझा दिया। फरमाया बैठो, उसका काम पूरा हो गया। जब वो जाने लगा तो मौला ने फिर ऐसा ही किया, वो जो पहली बत्ती जलती थी उसको जला लिया और ये बत्ती बुझा दी। दो तीन दिन के बाद वो आदमी रास्ते में कहीं मिला और मुलाकात हुई, कुछ बातें चीतें होती थी, तो कहता या मौला एक बात पूछनी चाहता हूं, मैं जब आया तो एक बत्ती जल रही थी, आपने बुझा दी, दूसरी जलाई, फिर मैं चला गया तो पहली जलाई वो बुझा दी। आपने फरमाया, तुझे मैंने पूछा ये पर्सनल काम है कि खिलाफत का काम है, तूने कहा पर्सनल काम है, मैं खिलाफत के पेपर्स देख रहा था और वो जो बत्ती जलती थी उसमें खिलाफत का पैसा था, यानी राज का पैसा था, तू मेरे पर्सनल काम के लिए आया था, उसमें यह खिलाफत का पैसा नहीं जलना चाहिए, मैंने अपनी पर्सनल बत्ती जलाई, जब तू चला गया तो फिर मैंने वो बत्ती जला दी ताकि वो काम करूं। कितनी ऑनेस्टी, हमारे लिए ये सीखने की बहुत सी चीजें हैं इन बातों के अंदर। आपकी जो मौला अली की जो सखावत थी उसकी दुनिया के अंदर कोई दूसरी मिसाल नहीं बन सकती, कोई मिसाल नहीं हो सकती। मैंने आपको कल कहा था कि शम्स के वक्त के मैं आपको एक जिक्र सुनाऊंगा सूरज के मुतालिक। मौला अली ने एक दफा डूबते हुए सूरज को वापस बुलाया। एक आदमी आया मौला अली के पास, हुजूर घर जा रहे थे। बात यह बनी कि मौला अली के हुजूर में जब भी कोई आता था, कुछ भी मांगता था, मौला ने कभी ना नहीं की, कभी नहीं, मना नहीं किया, और अगर नहीं था तो उधार लेके भी उसका काम कर देते थे। तो एक शख्स आया, कहता या मौला मेरी औरत सख्त बीमार है, सख्त बीमार है, मेरी आप मदद करो, क्या है, क्या चाहिए, कुछ रकम मांगी। हुजूर घर गए तो रकम नहीं थी, बाहर निकले, मौलाना हसन हुसैन सामने खेलते हुए चले आते थे, दोनों का हाथ पकड़ा और ले गए। उस आदमी को कहा मेरे पीछे आओ। एक यहूदी महाजन था यानी फाइनेंशियर, उसके पास जाके कहा कि भाई थोड़ी ये इतनी रकम चाहिए। कहते या अली पहला उधार लिया हुआ है वो अभी तक चुकाया नहीं, आपने फरमाया मुझे पता है वो चुकाया जाएगा, आज इतने पैसे दे दे। कहते या मौला आज तो मैं कुछ चीज रखूंगा तभी दूंगा। हसन हुसैन को कहा देखो ये मेरे दो बेटे मॉर्गेज रखता हूं, शाम से पहले मैं पैसे दे दूंगा और ये मैं अपने बच्चे छुड़ा लूंगा। उसने कहा नहीं छोड़ दो, रहने दो इन बच्चों को। फरमाया नहीं तो बच्चे रख ले। रकम लेके उस आदमी को दे दी, वो तो चला गया शुक्रगुजारी करके। हुजूर घर चले आए। अब बच्चे खेलने के लिए गए थे, घर आते थे उनको रस्ते में पकड़ के मौला ले गए। बीबी फातिमा को जब बात सुनाई तो मां का दिल है उदास हो गई और इंतजार करने लगी कि शाम होवे तो मेरे बच्चे मेरे घर आवे। अंधेरा शुरू होने लगा, बीबी फातिमा का दिल तड़पने लगा। मौला अली बाहर निकले, एक आदमी ऊंट के ऊपर जा रहा था, फौरन नीचे उतरा। मौला को अरज की कि या अली मैं आज सुबह से आपको ढूंढ रहा हूं, ये मेरी रकम है आपके लिए मैं लेके आया हूं मेहमानी के तौर पे, और ये ऊंट लाया हूं आपके लिए मेहमानी के लिए, आप कबूल फरमाओ। हुजूर ने उसको दुआ दी, ऊंट की मुहार पकड़ी, वो तो चला गया रकम लेके गए यहूदी के पास। लेकिन जब ये पहुंचे अंधेरा हो गया था। अब जो उसने कहा कि याली आपका वचन ये था सूरज डूबने से पहले, सूरज तो डूब चुका। मौला अली जोश में आ गए, उंगली निकाल के फरमाया कहां सूरज डूबा है। उंगली को ऊंचा जो किया तो वाकई सूरज नजर आ रहा था। मैं बहुत परेशान था कई बरसों तक,
परेशानी का हाल मेरा कुछ और नहीं था, ऐसा नहीं कि मुझे इन चीजों पर यकीन नहीं। मैं तो इमामों और नबियों की पुरानी हिस्ट्रियां पढ़ के इन तमाम चीजों को सच समझता हूँ, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीजें हमारी समझ में नहीं आती तो उसका यह मतलब नहीं कि वो गलत है। हमारी अकल कमजोर है और लिमिटेड है, मगर मैं उसका कुछ जवाब ढूंढता था। 72 के अंदर मुझे रीडर्स डाइजेस्ट हाथ में आया और उसके पीछे जो बुक सेक्शन है उसमें एक रशियन हिस्टोरियन और साइंटिस्ट ने, वो हिस्टोरियन भी है साइंटिस्ट भी है, जवान आदमी, उसने एक लिखा। उसने कहा कि जमीन के साथ कितनी दफा ये सलूक बने हैं कि जमीन फिरते 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 स्टॉप हो गई है और वापस हो गई है। तो उसने एक मुद्दत का जिक्र किया है, वो वक्त मौला अली की खिलाफत के नजदीक नजदीक का वक्त है, रसूलुल्लाह का वक्त है, कि जमीन के नजदीक कुछ 3,00,000 माइल दूर एक बहुत बड़ा स्टार पास हुआ, उसकी फ्रिक्शन से जमीन जो वेस्ट से ईस्ट को घूमती है, सूरज हमको ऐसा लगता है कि ईस्ट में निकलता है, उसकी वजह यह है कि हमारी जमीन जो है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रही है। अब जमीन के ऊपर खड़े होकर देखोगे तो एंटी क्लॉक वाइज जाती है, यानी फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट जाती है। तो वो जो निकला बहुत बड़ा स्टार, उसकी फ्रिक्शन की वजह से, ग्रेविटी की वजह से हमारी जमीन ईस्ट से वेस्ट चली गई। जब ईस्ट से वेस्ट चली गई तो सूरज वापस निकल आया, क्योंकि वेस्ट में जब सूरज डूबता है तो वेस्ट तो ईस्ट की तरफ जाता है, लेकिन उस स्टार के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से जमीन वापस ईस्ट से जब वेस्ट को जाने लगी तो डूबा हुआ सूरज वापस आ गया। उस वक्त जब वापस सूरज नजर आया तो वो यहूदी फौरन मौला के पांव पे गिर पड़ा, मुसलमान हुआ, माफी चाही और कहा कि या अली, मुझे रकम नहीं चाहिए, ये आपकी मेहमानी है। उसके घर के पीछे छोटा सा बगीचा था, उस बगीचे के अंदर इस मलऊन ने सुबह के वक्त इन मासूम बच्चों को कहा कि जाओ इधर पानी दो। तो हुजूर जाके दोनों बच्चे छोटी छोटी बाल्टियां बर्तन जो कुछ भी थे तो बगीचे में पानी देते थे, अंदर एक कुआं था। मासूम बच्चे थे, छोटी उम्र थी, थक गए, एक दरख्त के नीचे सो गए। आपको यह वाकया जिसके कुतरस फरिश्ते की हेडिंग के साथ मन समझानी और हमारी स्वत्वैनी के अंदर मिलेगा, यह वाकया आपको किसी और जगह किताबों में नहीं मिलेगा। जब ये सो गए, थोड़ी थोड़ी देर के बाद दोनों बच्चे एक दूसरे के साथ चिपट के सोए थे, थोड़ी देर के बाद सूरज ऐसी जगह पे आया कि दरख्त का झाड़ का साया निकल गया और सूरज आपकी आंखों पे आया। एक बड़ा सांप निकला, जो पाइथन कह लो, उसने अपना फन को फैला दिया और इन दोनों बच्चों के सिर के पास आके उसने अपने फन को हुक, जो जिसको कहते इंग्लिश में, इस तरह से रख दिया कि सूरज की किरणें इन दो बच्चों के मुंह के ऊपर न गिरें। और जैसे जैसे सूरज घूमता था ये सांप अपने इस हुड को भी फिरा देता था। जब वो वापस सूरज निकल गया और उनके चेहरों के ऊपर रोशनी आने लगी तो ये सांप फौर आ गया। अब जो यहूदी के साथ मौला अंदर आए तो ये सांप पीछे हट गया। यहूदी तो डर के मारे खड़ा हो गया, मौला आगे गए, हसन हुसैन को उठाया, गले लगाया और इस सांप की तरफ देखा तो वो सांप बदल के तो एक फरिश्ते की शक्ल में खड़ा हो गया, इंसानी शक्ल में। मौला को सलाम किया, फरमाया तू कौन है? कहा या मौला, मेरा नाम कुतरस है। कुतरस के हेडिंग में आपको इन दो किताबों में ये चीज मिलेगी। कुतरस फरिश्ते ने अर्ज की कि या मौला, मैं फलानी मुद्दत हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पैदा होने से इतनी मुद्दत पहले इबादत करते करते करते
मैं आखिरी मंजिल तक पहुंचा। जब मैं अर्श के करीब पहुंचा तो मुझे आवाज आई, तू कौन है? मैंने कहा, या अल्लाह, मैं कुदरस हूं। बस मेरा इतना कहने से मेरे जो पंख थे जल गए और मैं जमीन पे गिर गया। मैंने फिर तौबा मांगी, इबादत की। 70,000 बरस की इबादत के बाद मैं वापस ऊपर पहुंचा और जब अर्श के नजदीक पहुंचा तो फिर मुझको आवाज आई, कौन हो? मैंने कहा, मैं कुदरस हूं, मेरे पंख जल गए। इस तरह मेरे साथ बनता चला आया और आखिर मैंने कहा, या अल्लाह, मैं कहां भूल कर रहा हूं और मैं क्या करूं? तो फरमाया कि तुम अली का इंतजार करो, या अली, आज मेरी मुश्किल दफे करो। हुजूर ने फरमाया, तू मगरूरी करता है। कहते, या मौला, मैं तो आजिज बंदा हूं, इबादत करता हूं। फरमाया, तेरा इतना कहना कि मैं कुदरस हूं, इस मैं का लफ्ज भी तुमने अपनी हस्ती को मिटाया नहीं। देखो सूफीपन की कितनी बड़ी गहरी बात है, तुमने अभी तक अपनी हस्ती को मिटाया नहीं, तुम समझते हो कि मैं हूं, यानी मैं कुदरस हूं। जाओ इबादत करो। जब वापस पहुंचो उस जगह और आवाज आए, कौन हो? तो कहो कि कुछ नहीं, या अल्लाह, तुम ही तुम है। ये हिदायत उसको दी और फिर वो चला गया। मौला अली की इस किस्म की और भी कई सखावतें और दूसरी सूफीपन की करामातें हैं। आप मुराकबे के अंदर, मुराकबा कहते हैं जो बांधी हुई इबादत के अलावा वॉलंटरी इबादत में इंसान ख्याल में बैठ जाए, उसको मुराकबा कहते हैं। उसके लिए कोई खास आसन की जरूरत नहीं होती। आंख बंद करके भी ख्यालों में चले जाते हैं। मौला अली बस औकात इस हालत के अंदर चले जाते थे और सूफियों ने यह मुराकबा मौला अली से सीखा। हुजूर फरमाया कि दिन में किसी वक्त इस तरह से बैठ जाओ कि कुछ मत सोचो, अपने माइंड को खाली कर दो। ये मुराकबे की कैफियत जो है कि कुछ भी सोचना नहीं, खुदा के कोई नाम को भी याद नहीं करना, बिल्कुल माइंड को ब्लैंक कर दो। तो अंदर से खुद ब खुद कोई चीजें मिलेंगी। वो चीजें मिलेंगी कि जो हम जाहिर में देख नहीं सकते। मुराकबा करने से, इस हालत में जाने से बाहर के दरवाजे बंद हो जाते हैं, अंदर के दरवाजे खुल जाते हैं। लेकिन उसी दिन बैठ जाओ उसी दिन सब दरवाजे खुल जाएंगे, ये नहीं। उसमें तो खुदा की जब मर्जी और रहमत होगी। आपकी सखावतों के अंदर से एक और मैं ऐसी हाईलाइट की बात करूं। मौला यमन गए तो यमन से बहुत सी मेहमानियां और माल ज़कात वगैरह मिली। कंबर गुलाम साथ था, 40 ऊंट थे, 40 ऊंटों के ऊपर बेहिसाब माल लगा हुआ था। हुजूर ने फरमाया, कंबर तैयारी करो, हमको रास्ते में कहीं ठहरना नहीं और सीधा हमको मदीने पहुंचना है, इसलिए खाने का भी इंतजाम करो, शायद रास्ते के अंदर 15-20 दिन भी निकल जाए। उसने इंतजाम किया, खाना पीना बांध के। मौला अली तो आगे होते थे और इसने किसी एक दरमियानी ऊंट के अंदर उस माल को बांध दिया। यमन से बाहर पांव से निकले, 5-7 मील के फासले के ऊपर एक छोटा सा गांव था। हुजूर ने फरमाया, यहां खड़े रहो, यहां एक आदमी से मुझे मिलना है और मैं अभी आता हूं। कंबर खड़ा रहा, ऊंट खड़े रहे और फरमान किया था कि ऊंटों को बिठाना नहीं, क्योंकि ऊंट अगर बैठ जाए तो उसको उठाने के लिए बड़ी मेहनत पड़ती है और 40 ऊंट कभी बैठ गए तो सुबह से शाम हो जाए। ऊंट खड़े रहे, मौला अंदर गए, उस आदमी की मुलाकात हुई और बातचीत करके आप जब आए तो वह आदमी भी इज्जत के तौर पर दरवाजे तक छोड़ने आते हैं। तो उसने सोचा कि मैं गांव के बाहर तक आपको छोड़ा। बातें करते करते बाहर आए, पीछे पीछे एक फकीर आया। उसको किसी ने कहा कि ये अली है, तो पीछे पीछे आया। जब वो आदमी बात करके जाने लगा था तो वो फकीर बीच में आके कहने लगा, तुम अली हो? तो उस शख्स ने कहा, हाँ ये अली है। तो हुजूर ने फरमाया, क्या चाहते हो? कहता, या अली, मुझे भूख लगी, कुछ रोटी दो।
आप उस आदमी के साथ कुछ और बातें करने का ख्याल में थे तो आपने कहा कंबर इसको रोटी दो। कंबर हैरान हुआ, कहता या मौला रोटी तो मैंने गठड़ी में बांधी है। फरमाया गठड़ी दे दो। कंबर चुप हो गया, कहता या मौला गठड़ी तो मैंने ऊंट के ऊपर बांधी है। फरमाया ऊंट दे दे। अरे या मौला ऊंट तो कतार में बांधा हुआ है, बड़ी मुश्किल होगी। मौला अली गए, 40 ऊंटों की भरी हुई कतार उस फकीर के हाथ में दे दी। हाथ झाड़ के आप वापस यमन की तरफ वापस चले गए। यह सहाफत आपको दुनिया में किसी और आदमी की इंसान की हिस्ट्री में नहीं मिलेगी। मौला अली अलैहिस्सलाम की ऐसी बहुत सी बातें हैं, लेकिन आज मैं सारा वक्त इसी के ऊपर अगर गुजार दूंगा तो दूसरे इमामों की हिस्ट्रियां आज रह जाएंगी। दिल तो चाहता है और भी कई बातें सुनाऊं, लेकिन मौला अली अलैहिस्सलाम की इस किनायत को, इस फकीरी को, इस रियाजत को और इस दरवेशी को समझने के लिए इतनी बातें काफी हैं। इल्म का तो कोई हिसाब ही नहीं है। मैं मौला अली की वो चीजें कि जो हिस्ट्री में आ चुकी हैं उनको टच नहीं करता। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा वाकया जो करबला का वाकया है, इस करबला के वाकया को समझना चाहिए। इसके अंदर एक बहुत बड़ी चीज है। मौला अली अलैहिस्सलाम ने लड़ाइयां लड़के इस्लाम को कायम किया। अली की जुल्फिकार ने इस्लाम के दुश्मनों का नाबूद करके इस्लाम को बचाया। और जब रसूल अकरम की वफात हो गई और हजरत उमर और हजरत अबू बकर ने खिलाफत को झूठ लिया, छीन लिया, मैं छीन लिया का लफ्ज इसलिए कहता हूं कि हकीकत में उन्होंने छीन लिया। और ये लफ्ज जो है एक बहुत बड़े सुन्नी आलिम जिसका नाम डॉक्टर ता हुसैन इजिप्शियन, अभी 4-5 साल पहले गुजर गया, अंधे थे और वो कैरो यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर थे, अलग-अलग यूनिवर्सिटी के अंदर भी प्रोफेसरी करते थे। अंधे होने की वजह से भी खुदा ने उनको बेहिसाब इल्म दिया था। डॉक्टर ता हुसैन, इसने लिखा है कि कुरैश वालों ने हजरत अली का हक छीन लिया। तो इसलिए मैंने कहा कि जब हजरत उमर और हजरत अबू बकर ने मौला अली का हक खिलाफत छीन लिया तो मौला घर पकड़ के बैठ गए, चुप रहे। प्रोटेस्ट आहिस्ता से जबान से जरूर किया कि मेरा हक है और तुमने ले लिया, लेकिन कोई गड़बड़ नहीं की, तलवार नहीं निकाली, लड़े नहीं। क्यों? अगर उस वक्त लड़ते तो इस्लाम मिट जाता। मौला अली खामोश रहे, अपनी नजर के सामने दुनिया की चीज जो थी वो जलती रही, उनका हक, दुनियावी हक। डाकू उठा गए मगर मौला कुछ ना बोले, इस्लाम को बचा लिया। ऐसा ही वाकया करबला का हुआ। यजीद अगरचे खलीफा था मगर वो शराबी था, जानी था, इस्लाम के ऊपर उसको कोई एतकाद ना था, बड़ा बेशरम था। उसके लिए बातें हिस्ट्री में मौजूद हैं। उसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कत्ल करवाने के तमाम सामान किए। यजीद ये चाहता था कि मेरी खिलाफत को मान लो। हजरत अली ने अबू बकर की खिलाफत को 6 महीने के बाद मान लिया। बीबी फातिमा जब तक जिंदा रहीं, अबू बकर की खिलाफत मौला अली ने मानी नहीं। लेकिन उसके बाद एक वाकया हुआ कि अबू सुफियान, जो मुआविया का बाप था, उसने मौला को आके कहा कि अबू बकर आपके तख्त में बैठ गया, हक आपका है, आप चाहो तो मैं मदीने की गलियां सोल्जर से भर दूं, आप लड़ो। मौला फौरन समझ गए कि तू इस्लाम को लड़ा लड़ा के मारना चाहता है, मलऊन, चले जा यहां से, मुझे तेरी मदद की जरूरत नहीं। और इसके बाद जाके अबू बकर को कहा मैं तुझे खलीफा कबूल कर लेता हूं। मौला अली ने अबू बकर को खलीफा कबूल करके इस्लाम को बचा लिया, अपनी हक की कुर्बानी दे दी। यही बात अगर इमाम हुसैन करते कि यजीद की खिलाफत को मान लेते तो इस्लाम मिट जाता।
अगर इमाम हुसैन यजीद की खिलाफत कबूल कर लेते अपनी और अपने कुटुंब की जान बचा सकते थे, लेकिन इस्लाम बिक जाता। इमाम हुसैन ने अपनी गर्दन कटवा दी, छोटे छोटे चार चार छह छह महीने के बच्चे भी कटवा दिए, अपने कुटुंब को कटवा दिया, लेकिन इस्लाम को बचा लिया। किस तरह इस्लाम को बचाया? क्योंकि यह खलीफा ऐसा था कि जो शराब पीता था, जना करता था और बदियां करता था, नमाज तक नहीं पढ़ता था, और नमाज में कभी जाता था तो शराब के नशे में जाता था। इसने मक्का के अंदर जो खाना काबा है उसको जलाया, इसने रसूलुल्लाह की जो कब्र के ऊपर घोड़े बंधवाए यजीद ने, और वो घोड़े वहां पेशाब और लीद करते थे, इतनी बेअदबियां की, कोई बोलता नहीं था इसके सामने। क्यों? तलवार नंगी थी, किसी की हिम्मत नहीं थी इसके सामना करने की। हजरत इमाम हुसैन ने इसका सामना किया। मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह का एक फरमान है कि इमाम कभी किसी से डरता नहीं, और इमाम नहीं डरता, और इमाम खतरे की वजह से, डर की वजह से भाग नहीं जाता। ऐसे बहुत से इमाम भाग गए, वो हमारे इमाम नहीं थे। अगर सच्चे इमाम होते तो अली और हुसैन भी भाग जाते, मगर हजरत अली और हुसैन जो सच्चे थे और वो सच्चे न थे कि जो भाग गए, तो ये सिलसिला हमारे हजरत इमाम तक चला आता है। हमारे इमामों ने बड़ी कुर्बानियां की, उनके बदन के टुकड़े हुए, बहुत से इमाम मारे गए, जहर दिया गया, लेकिन कभी वो भागे नहीं। मौलाना हुसैन अलैहिस्सलाम ने बहुत कोशिश की कि लड़ाई अवॉइड की जाए, लेकिन जब मजबूरी आ गई, वक्त आ गया, तो हुजूर ने फरमाया अच्छा मैं अभी लड़ूंगा, मगर मैं तुम्हारी खिलाफत को कबूल नहीं करूंगा। इमाम हुसैन ने अपनी कुर्बानी दे दी, उसके बाद इस्लाम के अंदर जागृति पैदा हो गई। जब यह जागृति पैदा हो गई तो इब्राहिम जो मलिक उश्तर का लड़का था, इसने लोगों को इकट्ठा करके यजीद के खिलाफ खड़े हो गए। यजीद भी मारा गया। यजीद का एक लड़का था, उसका नाम था मुआविया। उसने तो जब उसको तख्त पर बिठाया तो फौरन उतर गया, कहता ये मेरा हक नहीं है, तो वो चला गया। इस तरह से दूसरे आ गए, मगर बनी उमैया की बुनियाद जो थी, फाउंडेशन हिल गई, और उन्होंने राज जरूर किया जुल्म और सितम के साथ। अलबत्ता दुनियावी जाहो हशमत अब्दुल मलिक और वलीद के टाइम के ऊपर बड़ी आई, मगर इमामों ने जो बुनियाद डाली अपनी कुर्बानियों की, उन कुर्बानियों की वजह से इस्लाम बच गया। मौलाना इमाम जैनुल आबदीन 20-21 बरस की उम्र थी करबला के वाकया में। दुश्मन ने सबको मार दिया, मगर इमाम को मार ना सके, इमाम जैनुल आबदीन को। इमाम जैनुल आबदीन उस वक्त बीमार थे। इस बीमारी की हालत में भी तलवार लेके जब निकले तो मौलाना हुसैन ने फरमाया बेटे तुम मत जाओ, क्योंकि तुम्हारे से कयामत तक नकल जारी होगी। तो मौलाना इमाम जैनुल आबदीन इसी तरह से बैठे रहे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब शहीद हुए तो इमाम जैनुल आबदीन इमामत की गादी पे थे। करबला में ही जो कुछ भी आपके थोड़े सगे कुटुंबी बच रहे, उन्होंने इमाम जैनुल आबदीन की तख्त नशीनी को उधर ही करबला के तंबुओं के अंदर, टेंटों के अंदर मनाया। और जब इमाम जैनुल आबदीन इधर आए तो यजीद उनकी बेअदबी भी न कर सका, उनकी सूरत देख के तख्त से खड़ा होकर माफिया मांगने लगा, कहने लगा मैंने हुसैन को कत्ल नहीं किया, किसी और ने किया। मौला ने उसका कुछ जवाब न दिया, लेकिन इमाम जैनुल आबदीन का एक लकब है सैयदुस साजिदीन। ये सैयदुस साजिदीन का मतलब है सजदा करने वालों का लीडर। मौलाना इमाम जैनुल आबदीन इतने लंबे लंबे सजदे करते थे कि बाज दफा लोग समझते थे कि शायद हुजूर गुजर गए हैं, और बिल्कुल फकीरी हालत में, दरवेशी हालत में रहते थे। इनका जो घर था उस घर के अंदर विजिटिंग रूम जो था, जहां लोग आके बैठते थे, तो एक पतली चादर बिछाई होती थी, कभी वो भी नहीं होती थी, और आप मिट्टी के ऊपर ही बैठे रहते थे। एक दफा एक बहुत बड़ा शायर आया इमाम जैनुल आबदीन के पास, आके
कहने लगा कि या सैयदी, मैं आपके लिए एक शायरी लेके आया हूँ, यानी आपकी तारीफ के अंदर मैं मुनाजात लाया हूँ। फरमाया, अच्छा सुनाओ। उसने जब ये चीज सुनाई तो मौला अंदर गए, एक थैली उठा के लाए, उसके अंदर अशरफियां थी। ये अशरफियां सोने की अशरफियां उसको दी गई, 100 मोहरें थी। उसने कभी ये एक्सपेक्ट ना किया था कि इमाम की ये फकीरी हालत देख के वो कभी भी ख्याल न कर सकता था कि मेरे को 100 सोने के पाउंड मिलेंगे। बहुत खुश हुआ, अर्ज की कि या मौला मेरे पास एक और है। एक्चुअली वो आया था इमाम के टेस्ट करने के लिए, सच्चे सिद्दत फिर से नहीं आया था। मौला ने फरमाया, अच्छा सुनाओ। जब दूसरे उसने अपनी शायरी सुनाई, मौला फिर अंदर गए और जाके एक दूसरी थैली लाके उसको दी। बड़ा हैरान हुआ, कहते या मौला मेरे पास एक और भी है। फरमाया, सुनाओ। तीसरी सुनाई तो तीसरी थैली दी, अब चौथी चीज उसके पास कुछ ना थी। हुजूर फरमाया, तुम अगर कयामत तक इसी तरह से मुनाजात सुनाते रहो, मैं कयामत तक तुमको इसी तरह से मोहरे देता रहूंगा। कदमों पे गिर गया, माफी मांगी, चला गया। एक दफा आपके घर में आग लगी, मौलाना इमाम जैनुल आबदीन बैठे थे और आंखें बंद करके मुराकबे में बैठे थे, ध्यान में बैठे थे। आग लगी, नौकर चाकर गुलाम गुलामड़ियां भाग दौड़ हो गई, इर्द गिर्द के लोग आ गए, घर के सब लोग चले गए, आप बैठे रहे। यहां तक कि आग ठंडी हो गई, आप इस तरह से बैठे रहे और सारे मदीने के लोग इस बात को देखने के लिए आए कि जरा भी परेशानी नहीं, जरा भी भाग दौड़ नहीं, जरा भी कोई डिस्टर्बेंस नहीं, मुराकबे में बैठे रहे और चारों तरफ आग लग गई है। इमाम ज़ैनुल आबदीन अलैहिस्सलाम वो यूं बहुत बड़े ताकतवर भी थे। उनकी एक और हाईलाइट करके हिस्ट्री की, तो मैं ये दूसरी इमामों के तरफ गुजर जाता हूं। एक दफा खलीफा अब्दुल मलिक ने इमाम को हल्का पाड़ने के लिए, लोगों के सामने इंसल्ट करे इसलिए, काफी बूढ़े हो गए थे मौला, तो उनको कहा कि आप थोड़ी सी तीर कमान चलाओ, निशानाबाजी करो। आपने फरमाया, मैं अभी बूढ़ा हो गया हूं। तो उसने थोड़ा सा कुछ ऐसे अल्फाज कहे कि इमाम ने कहा, अच्छा लाओ। एक एम था, तीर मारा उसके अंदर एम में, दूसरा तीर मारा तो पहले तीर के पीछे घुस गया, तीसरा तीर मारा तो वो दूसरे के पीछे घुस गया। ये निशानाबाजी देख के वो शक रह गया। हमारे इमामों ने इस किस्म के बहुत से वाकयात भी किए हैं। इमाम ज़ैनुल आबदीन भी फकीरी दरवेश की हालत में रहे, इमाम मोहम्मद बाकर भी हालत में इसी तरह से रहे। इमाम मोहम्मद बाकर का मैंने आपको वो जिक्र किया है कि इमाम मोहम्मद बाकर पीरी जामे के अंदर, हालांकि उनका नाम हम पीरों के लिस्ट में लेते नहीं, लेकिन बाद ऐसे इमाम भी थे कि जो पीरी जामे के अंदर न आ सके मगर पीरी काम किया। इमाम मोहम्मद बाकर ने ये अशरफी जो फर्स्ट दीनार था इस्लाम के अंदर, उसके लिए फरमान किया कि एक तरफ ला इलाहा इल्लल्लाह लिखो, दूसरी तरफ मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखो। मौलाना इमाम जाफर सादिक की जिंदगी के हमारे पास बहुत से ऐसे वाकयात हैं और उनके अंदर बड़े में बड़ा वाकया इमाम जाफर सादिक का था। तो वो एक कमाल ये था कि इतने बहुत आदमियों की सिक्योरिटी के अंदर इमाम इस्माइल को, कि जो उस वक्त शहजादा की हालत में थे, अपने घर से निकाल दिया। लोग अंधे हो गए और उनको देखा तक भी नहीं। इमाम इस्माइल घर के बाहर निकले, सुलेमान उस वक्त अब्बासी खलीफा था जब ये वाकया बना, और वो दुश्मन था इमाम ज़ैनुल्लाह, इमाम जाफर सादिक की इमामत के अंदर बनी उमैया खत्म हो चुके थे, मिट चुके थे और अब्बासी खिलाफत शुरू हो चुकी थी। तो ये सुलेमान था, मंसूर और सुलेमान, ये दो खलीफा थे।
इन्होंने इमाम के साथ दुश्मनी की और ये कोशिश की कि गुप्त तरीके से छुप छुपा के इमाम को मार डाला जाए ताकि रसूलुल्लाह की जो नस्ल है ये खत्म हो जाए, मिट जाए और अब्बासिया नस्ल कायम रहे। बनी हाशम और बनी फातिमा को मिटाने के लिए बनी उमैया ने भी बहुत काम किए, बहुत कोशिशें की और बनी अब्बासियों ने भी बहुत कोशिश की। अब्बासियों की खिलाफत लगभग 800 बरस तक चली अलग अलग खानदानों के अंदर, और बनी उमैया की खिलाफत तो सिर्फ 90 बरस चली, 1000 महीने भी पूरे ना हो सके। तो उसने चारों तरफ अपने जासूस रखे थे कि किसी भी तरीके से इमाम अभी बूढ़े हो गए हैं तो ये जरूर अपने बेटों को अपना जानशीन बनाएंगे, तो कोई भी बेटा इनका बाहर निकले मदीने से बाहर तो मेरे को खबर करना, और कभी मैं खबर में न आ सकूं यानी मुझ तक न पहुंच सकूं तो इसको मार डालो। रात के अंधेरे में इमाम इस्माइल को उन्होंने निकाल दिया और मौलाना इस्माइल बड़ी आसानी के साथ सब लोगों के दरमियान के जो किसी ने देख न सका अब सलमिया चले गए और सलमिया के अंदर जाके दावत का काम किया मौलाना इस्माइल ने, और वहीं रहे 10 बरस तक आपने इमामत की। बहुत सी ऐसी हमारे दुश्मनों की तारीख में, बाज दफा खुद हमारे इस्माइलियों की तारीख में इस किस्म के वाकयात हम पढ़ते हैं। बाज तो दुश्मन ये कहते हैं कि इमाम इस्माइल इमाम जाफर सादिक की हयाती में गुजर गए। हमारी नूरु मुबीन के अंदर जो पहला एडिशन निकला उसके अंदर एक वाकया का जिक्र किया गया है कि एक झूठा जनाजा निकाला गया इमाम इस्माइल का, इमाम जाफर सादिक ने निकाला, इमाम इस्माइल को तो भेज दिया मगर एक झूठा जनाजा निकाला गया। मुझे तवारीख में इस किस्म का कोई भी वाकया मिला नहीं कि जिसके ऊपर से ये हकीकत आ सके कि ये जनाजा निकाला गया। अलबत्ता हमारे दुश्मनों की किताबों में है और खास तौर पे इस नाशरी लोगों ने इस चीज को इतना जोर दिया कि पुरानी हिस्ट्री के अंदर ये ऐसी मशहूर बात हो चुकी है कि इसको रिफ्यूट करना बड़ा मुश्किल हो गया। लेकिन पीर शम्स की जो मन समझानी है उसके अंदर इस बात का खुलासा है कि इमाम इस्माइल ने 10 बरस तक इमामत की। पीर शम्स इमाम इस्माइल की औलाद में से हैं, पीर शम्स इमाम इस्माइल की नस्ल में से हैं, पीर शम्स आले रसूल हैं। घर का आदमी अपनी फैमिली के लिए जितना जानता है गैर नहीं जानते, तो मैं किसी और दूसरों की लिखी हुई किताबों के ऊपर मैं एतबार नहीं करता कि जितना खुद पीर शम्स के लफ्जों में कि पीर शम्स ने इस बात के लिए मन समझानी में जिक्र किया है कि इमाम इस्माइल 10 बरस तक इमाम रहे। 148 में इमाम जाफर सादिक में हिजरी सन की बात करता हूं, इमाम जाफर सादिक ने वफात पाई और उसके बाद इमाम इस्माइल 158 तक इमाम रहे और सलमिया के अंदर ही दफन किए गए। इमाम इस्माइल ने सलमिया के अंदर इस्माइली मजहब की बुनियाद रखी। सलमिया सीरिया का एक प्रोविंस है, वो जमाने के अंदर सीरिया बहुत बड़ा था, आज का जो लेबनान है और आज का जो जॉर्डन है ये सब वो जमाने के अंदर सीरिया में था। तो इमाम ने वहां जाके बनी उमैया की खिलाफत के बाद, क्योंकि बनी उमैया की खिलाफत का जो हेड ऑफिस था वो दमस्कस था, सीरिया का कैपिटल, वहां जाके इमाम ने इस्माइली मजहब की बुनियाद रखी और बड़े बड़े मुनाजरे किए और इतने मशहूर हुए कि लाखों आदमी इस्माइली बने। और ये जो सीरिया के इस्माइलियों की सलमिया में हमारी जमात है ये मौलाना इस्माइल के हाथ से बोधी हुई है। इमाम इस्माइल के बाद हमारे और बहुत से इमाम आए, मैं थोड़ा रैपिडली जाना चाहता हूं। इमाम वफी अहमद अलैहिस्सलाम के जमाने के अंदर ये जो दौर सतर था, इमाम इस्माइल से लेके इमाम रजी अब्दुल्ला तक ये दौर सतर है। दौर सतर कहते हैं कि इमाम छुप के रहते थे मगर डरते नहीं थे। यहां छुप के रहने से मतलब काहे का था, क्यों इमामों ने अपने आप को दौर सतर के अंदर छुपा के रखा, भेस बदल के रखा? आपको कभी इस चीज का ख्याल या जवाब मिला? भला इमाम को जरूरत क्या थी? इमाम अपने लिए भेस बदल के नहीं रहते थे,
इमाम अपने आप को बचाने या अपनी फैमिली को बचाने के लिए दौरे सतर में नहीं रहते थे, इमाम खुद की मर्जी के लिए अपनी सहूलत के लिए तकिया नहीं करते थे, जमात को बचाने के लिए। अगर ये पता लग जाता कि किसी फलानी जगह के ऊपर इमाम रहते हैं और जाहिर में रहते हैं, तो उस सारी जमात को उस जमाने के जो अब्बासी खलीफा थे मार डालते। जमात को, मुरीदों को बचाने के लिए इमामों ने ये दौरे सतर किया, वगरना इमाम को इस चीज की कोई जरूरत नहीं थी। मौलाना इमाम इस्माइल मोहम्मद बिन इस्माइल वफी अहमद, इमाम तकी मोहम्मद और इमाम रज़ीउद्दीन अब्दुल्ला, इन पांच इमामों ने घूम फिर के अपनी जिंदगी गुजारी। किसी एक जगह दो चार महीने से ज्यादा नहीं रहते थे, कभी जंगलों के अंदर व्यापारी बन के तो घुमा करते थे, मगर जो दाई होते थे वो जमाने के, ये दाइयों को पता होता था कि इमाम आज किधर हैं या किस हालत में हैं या कौन है। इमामों ने अपने नाम भी बदल डाले हुए थे। इसी वजह से हमारे बहुत से दुश्मनों ने इस बात के ऊपर शंका जाहिर की कि क्या सचमुच ये सच्चे आले रसूल हैं, और हमारे बहुत से इस्माइली भी इस भलाई में आ गए कि कहने लगे कि भाई ये इमामों की वंशावली खोटी है। अब्बासियों ने दो दफा, बनी उमैया ने एक दफा बहुत बड़ी कोशिश की, इसके लिए पैम्फलेट्स भी निकाले गए, इसके लिए किताबें लिखी गईं, और मुल्लाओं को निकाल के फैला फुसला के लालच दे के या जोर के साथ उन्होंने फतवे लिखाए कि ये लोग आले रसूल नहीं हैं। ये बातें हमारे हिस्ट्री के अंदर बहुत तरह बनती रहीं, मगर इमामों ने कभी भी इस चीज से डर नहीं लिया जमातों को बचाने के लिए कि जमात को दुख न लगे, तो इमामों ने इस तरह से किया। इस दौरे सतर का पीरियड जब जल्द खत्म हो गया, दाइयों ने दावत का काम बहुत किया, इमामों ने दुख तकलीफ भी उठाए, अपनी औलाद को कुर्बान भी किया। इमाम वफी अहमद और इमाम तकी मोहम्मद, इन दोनों की इमामत के अंदर एक मशहूर वाकया बना, और वो है कि हमारे 51 रसाले अख़वान सफा के लिखे गए। मौलाना इमाम वफी अहमद का एक कलमी नाम था, नोम डिप्लम, वो नाम था हुमायूं। हुमायूं के नाम से इन्होंने ये रिसाले लिखवाए, और ये रिसाले लिखवा के बगदाद और दमिश्क की मस्जिदों के अंदर रख दिए गए। ये पहला इस्लामी एनसाइक्लोपीडिया था कि जिस तरह से पीर सदरुद्दीन ने ग्रंथ लिख के सृष्टि की शुरुआत की हालत वगैरह लिखी, ये चीज इख्वानुस्सफा में है कि खलकत किस तरह से हुई, क्रिएशन किस तरह से हुई, किस तरह से झाड़ वगैरह हुए, ये तमाम चीजें लिख के फिर बाद में फिजिकल चीजें भी आती हैं, रूहानी चीजें भी आती हैं। इख्वानुस्सफा के अभी बहुत से ट्रांसलेशन हो चुके हैं, इन चीजों को पढ़ो तो आपको पता लगे। अरबी अगर पढ़ी जाए तो वो ज्यादा मजा देगा, लेकिन ये इख्वानुस्सफा के जो रिसाले थे, इन रिसालों के अंदर जो इल्म था वो जमाने के आलिम मुल्ला मौलवी सुनियों का जोर था, इनको पढ़ के हैरत में आ गए। ये रिसाले आज मिलते हैं। इमाम रज़ीउद्दीन अब्दुल्ला इराक में से निकल के तुर्की चले गए, और तुर्की के कॉन्स्टेंटिनोपल, जिसको आज हम इस्तांबुल कहते हैं, कस्तुनतुनिया के पास ही है। ये दोनों शहर बहुत नजदीक हैं। कस्तुनतुनिया कॉन्स्टेंटिनोपल है, और इस्तांबुल जो है बाद में इसका नाम पड़ा इस्तांबुल। ये जगह जाके इमाम रज़ीउद्दीन अब्दुल्ला ठहरे, और यहां इमाम मेहदी बड़े हुए, हालांकि बच्चे ही थे, बहुत बड़ी उम्र नहीं थी, 12-13 साल के थे। और इस जमाने के अंदर इमाम तकी मोहम्मद के जमाने से कुछ दाई मोरक्को मगरिब में चले गए, और वहां जाके उन्होंने इस्माइली मजहब की शायद की। इमाम रज़ीउद्दीन अब्दुल्ला के पास दो दाइयों ने आके अरज की कि या मौला, उधर जमात आपका इंतजार करती है। बर्बर कबीले के लोग मुसलमान थे, मगर इस्माइली मजहब में इस्माइली दाइयों के हाथ पे आए। इमाम ने अपने फर्जंद मेहदी अलैहिस्सलाम को भेज दिया। इमाम मेहदी आए, मगर इस दरमियान इमाम रज़ीउद्दीन अब्दुल्ला गुजर गए, और इमाम मेहदी ने आके इधर खिलाफत का काम शुरू किया।
और यहाँ से फिर खिलाफत निकल के आस्ते आस्ते ईस्ट की तरफ यानी अल्जीरिया आई, लीबिया में से पसार होके इजिप्ट में आई। मैं बहुत माइन्यूट डिटेल्स में नहीं जाता क्योंकि मेरा जो टॉपिक है वो हाईलाइट्स का है। इमाम मोहम्मद अल महदी ने सबसे पहले खिलाफत शुरू की मोरक्को के अंदर, और वहां से निकल के इधर आके इन्होंने इजिप्ट में अपना पांव रखा। इमाम की उस जमाने के अंदर शोहरत हुई और रसूल अकरम की वो हदीस जाहिर हुई कि 300 बरस के बाद मगरिब से एक सूरज निकलेगा, वो सूरज सारी दुनिया में रोशनी फैलाएगा, वो मेरा फर्जंद होगा, उसका नाम मेरे नाम पर होगा, उसके बाप का नाम मेरे बाप के नाम पर होगा, और वो सारी दुनिया के अंदर इस्लाम को कुव्वत देगा, वो मेरा फर्जंद है। मोहम्मद अल महदी, महदी तो लकब है, नाम मोहम्मद है, मोहम्मद का नाम भी मोहम्मद था, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाप का नाम अब्दुल्ला था, मोहम्मद अल महदी के बाप का नाम अब्दुल्ला था, रजी अब्दुल्ला। बराबर लगभग 300 बरस की बात हुई और फरमाया कि मगरिब से सूरज निकलेगा। मगरिब कहते हैं वेस्ट को, सूरज का मतलब इमामत है। ये रसूलुल्लाह की हदीस 300 बरस के बाद पूरी हुई और यहां फिर इजिप्ट में आके इमामों ने अपना राज किया। और ये राज की बहुत सी चीजें हमारे सामने हिस्ट्री के अंदर हैं। मैं एक बड़ा जिक्र करना चाहता हूं। एक तो यह है कि इमाम हाकम अलैहिस्सलाम बहुत आलिम थे, जबरदस्त आलिम थे। हमारे हर इमाम इल्म रखते हैं लेकिन जमाने के हिसाब से एक इमाम एक खेल करता है, दूसरा इमाम दूसरा खेल करता है। तो इमाम हाकिम के पास बड़े बड़े आलिम, खासतौर पर यहूदी और नसरानी आके सवाल वगैरह करते थे और उनके पास से उनकी गाइडेंस लेते थे। इमाम हाकिम बहुत लिबरल भी थे, इन्होंने आजादी दे दी, हर आदमी को अपना मजहब पालने की छूट है। इसका नतीजा यह निकला कि क्रिश्चियन पादरियों ने बहुत से मुसलमानों को वरगला के धोखा दे के क्रिश्चियन बनाना शुरू कर दिया। इमाम के पास जब यह बात पहुंची तो इमाम ने फरमाया जितने भी यहूदी और क्रिश्चियन नॉन मुस्लिम्स हैं सब 5 रत्तल का यानी 5 पाउंड का वजन अपने गले के अंदर बांध के फिरे ताकि पता लगे कि वो लोग नॉन मुस्लिम्स हैं। और उनको घोड़े पर बैठने की इजाजत नहीं थी, गधे पर बैठ सकते थे। इस बात को बहुत से वेस्टर्न राइटर्स ने बड़े शोर और शगब से कहा है। मुझे अफसोस है कि हमारी कौम के अंदर इल्म कम होने की वजह से हम राइट एंड रॉन्ग को अच्छी तरह समझ नहीं सकते। मैकगिल यूनिवर्सिटी के अंदर कोई भी स्टूडेंट, खासतौर पर इस्माइली स्टूडेंट, जब इस्माइली या इस्लामिक स्टडी के लिए जाता है तो उधर के जो प्रोफेसर है ना, वो अपने बच्चों के सामने बोलते हैं कि इमाम हाकम पागल थे। किसी ने उस चीज का सामना नहीं किया, लेकिन एक इस्माइली, सीरियन इस्माइली ने इमाम हाकम के ऊपर रिसर्च करके वो किताब निकाली हुई है, वो पढ़ने जैसी है। इमाम हाकम अस्तग़फिरुल्लाह पागल नहीं थे, मगर क्रिश्चियनों और यहूदियों ने उनको मजबूर कर दिया कि इमाम हाकम बहुत दफा अपने फैसले को जल्दी से बदल देते थे, चेंज कर देते थे। पहले उनको आजादी दे दी और बाद में उनको तंग कर दिया कि तुम्हारी मूवमेंट लिमिटेड रह जाने, और सेग्रीगेशन भी कर दिया। ये इसलिए किया कि उन्होंने मजहब के अंदर शैतानी शुरू कर दी। इमाम हाकिम की एक बात करूं कि जो आपको हिस्ट्री में बहुत कम मिलेगी, और वो है इमाम हाकिम ने एक दफा पब्लिक खुतबा दिया। हुजूर ने फरमाया मैं 9 दफा इस दुनिया में आज से पहले जाहिर हो चुका हूं और आज ये 10वीं दफा है कि मैं जाहिर होता हूं। इमाम हाकिम के जमाने में हिंदुस्तान के अंदर कोई भी पीर नहीं आया था। ये 9 दफा जाहिर हो चुका हूं, इसके पहले ये 9 अवतारों की बात आती है और खुद क्या 10वें अवतार की बात करते हैं। ये 9 दफा अपीयरेंस की जो जिक्र था, ये तो हम ऐसा समझते हैं कि ये हिंदुओं की बात थी, लेकिन इमाम हाकिम ने इस चीज को जाहिर किया। हालांकि इमाम हाकिम कभी हिंदुस्तान नहीं गए, उस जमाने तक हिंदुस्तान में जमात नहीं बनी थी, जम्पूद्वीप में कोई भी इस्माइली मिशनरी दाई के पीर नहीं आए थे। वो तो इमाम उस्तन सिरबिल्ला के जमाने में पहली दफा इस सदगुर नूर आए, उसके दरमियान लगभग 50 से 60 बरस का फासला है। इमाम हाकिम का यह खुतबा, द राइज एंड फॉल्स
द राइज एंड डिक्लाइन ऑफ बाइजेंटाइन एम्पायर के अंदर आपको मिलेगा, मशहूर चीज है। इमाम हाकिम के वफात के बाद दुरूज हमारे से जुदा हुए, आज लगभग 40-50 लाख दुरूज मिडल ईस्ट के अंदर हैं और अभी दुरूज लड़ रहे हैं दूसरे क्रिश्चियनों के सामने लेबनान के अंदर। दुरूज बड़ी ताकतवर कौम है, ये दुरूज इस्माइली हैं, ये समझते हैं कि 1000 बरस के बाद इमाम हाकिम वापस दुनिया में जाहिर होंगे। बात यह थी कि इमाम हाकिम बहुत आजाद और फ्री थे, अमूमन रात के वक्त बाहर निकला करते थे। इमाम हाकिम रात को मजालिसुल हिकमा भी बनाया करते थे, हिकमत की यानी इल्म की मजलिसें, बड़े बड़े आलिम आके बैठते थे, अपने तमाम दाई और मिशनरीज आके बैठते थे और इमाम उनके सवालों के जवाब देते थे और उनको बहुत सी इल्म की बातें किया करते थे। इमाम हाकिम की जो मां थी वो रशियन शहजादी थी। इमाम हाकिम की हाईलाइट्स में सबसे बड़ी वो चीज कि जिसमें उन्होंने 10 अवतार का जिक्र किया है, वो जिक्र आपके लिए बहुत कीमती चीज रहेगी। और खासतौर पर यानी आपसे मेरा मतलब जो मिशनरी बन रहे हैं, टीचर बन रहे हैं, वाइजीन बन रहे हैं, उनको ये चीज समझनी चाहिए और ये नहीं समझना चाहिए कि हमारे पीरों ने हिंदुओं के पास से चीजें लेके अपने गिनानों में भर दी हैं। इमाम हाकिम के जमाने के अंदर तो कोई हिंदू नहीं था। इमाम हाकिम के बाद इमाम जाहिर और इमाम मुस्तनसिर बिल्ला की बातें हमारे सामने हैं। मौलाना इमाम मुस्तनसिर बिल्ला के जमाने के अंदर 7 बरस तक दुकाल यानी फेमिन पड़ता रहा और आपकी सखावत का ये हाल था कि घर का सब फर्नीचर खजाना सब बांट दिया, चले आखिर में एक कालीन यानी कारपेट बाकी रह गया। कुछ लोग मांगने के लिए आए तो मौला उठ बैठे और वो बात फरमाया कि जाओ ये कारपेट ले जाओ, बेच डालो। तो इमाम मुस्तनसिर बिल्ला अलैहिस्सलाम की सखावत भी बेहिसाब थी। इनकी इमामत की हाईलाइट यह है कि इन्होंने पहली दफा एक पीर को हिंदुस्तान के अंदर जमकुद्वीप में दावत के लिए भेजा और वो पीर नूरुद्दीन थे। इमाम निजार अलैहिस्सलाम ने अपनी कुर्बानी देके यानी अपने भाई के नजरबंदी के अंदर रह के मगर इमामत को शिफ्ट कर दिया आलमूत के अंदर। ये इमाम निजार की एक जबरदस्त कुर्बानी थी। इमाम निजार चाहते तो उलट पुलट हो सकती थी मगर इमाम निजार ने आलमूत जाना भी मना कर दिया और फरमाया कि शहजादा हादी को ले जाओ, ये रस्ते में ही तुमको कहेगा कि मेरा जामा पूरा हो गया। इमाम हादी ने आके आलमूत के तख्त के ऊपर कदम रखा लेकिन आलमूत जो बना तो इमाम मुस्तनसिर बिल्ला की इमामत के जमाने में बना। तो इमाम मुस्तनसिर बिल्ला की इमामत की एक और बड़ी हाईलाइट ये है कि उनके जमाने के अंदर बड़े बड़े दाई हुए, उनके जमाने के अंदर आलमूत में अपना राज कायम हुआ। ये हसन बिन सभा इसनाशरी थे, नासर खुसरो इसनाशरी थे, ये लोग इस्माइली मजहब में दाखिल हुए। दाई अब्दुल मलिक अत्ताश जैसे ग्रेट मैन वो जमाने के अंदर हमारे चीफ मिशनरी थे। काजी नोमान की तरह और भी ऐसे बहुत से लोग अपने मजहब के अंदर जबरदस्त उलमा थे। इमाम मुस्तनसिर बिल्ला की जिंदगी यानी उनकी हयाती के अंदर जो आलमूत बना तो वो एक बहुत बड़ी बात थी। आलमूत में इमाम हादी से लेके इमाम रुकनुद्दीन खोरशाह तक हमारी इमामत वहां रही। रुकनुद्दीन खोरशाह, खैरशाह नहीं। हमारी दुआ के अंदर जो खैरशाह का जो लफ्ज है जिसने ये दुआ कराची के अंदर बनाई यानी उसको पहली पुरानी इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह के जमाने की बनाई ही दुआ को जरा ठीक ठाक किया। उसने सोचा अरब आदमी था, फारसी नहीं जानता था, है तो खोजा। उसने सोचा कि ये खोरशा मालूम नहीं क्या है, तो खैरशाह कर दिया। खोरशा का मतलब है सूरज, ये इमाम रुकनुद्दीन खोरशाह का लकब था। अगर कि सदरुद्दीन की बनाई हुई दुआ जो है वो चोपड़ी कभी हाथ में आए तो इमामों की वंशावली में नाम देखो, फारसी की और उर्दू की और अरबी की किताबों के अंदर भी हमारे इमामों में रुकनुद्दीन को खोरशाह लिखा गया है, अरबी किताबों में भी खोरशाह का लफ्ज लिखा गया है। इमाम रुकनुद्दीन खोरशाह की इमामत एक बरस चली। आलमूत का पीरियड हमारे सामने है। इस आलमूत के पीरियड में इस्माइलियों ने बड़ी बड़ी कुर्बानियां की मगर इसके बाद वापस इमाम शमसुद्दीन मोहम्मद से दौरे सतर हुआ। ये सेकंड दौरे सतर था कि इमामों ने पॉलिटिक्स में से अपने आप को निकाल दिया और शांत जिंदगी गुजारते रहे।
ताकि जो इस्माइली कमजोर हो गए थे वो वापस ठीक हो सके, रिजुविनेट हो सके, उनके अंदर एनर्जी आ सके। मैंने आपको कभी कभी अपनी वाजों में यानी जमात को कहा है, इमामों ने राज नहीं बनाए, राज हमेशा मुरीद बनाते रहे और इमाम को जाके कहते रहे कि या मौला ये तख्त और ताज पड़ा है आके बैठो, और इमाम आके बैठते थे। जब मुरीदों में कमजोरी आ गई, लीडर आपस में लड़ने लग गए, जमात कमजोर हो गई, तो इमाम उठ के चले जाते थे, राज खत्म हो जाता था। आलमुद इसी तरह से खत्म हुआ, इमामों ने अपने आप को वापस आराम की जिंदगी के अंदर रख लिया और इस्माइली जमात आस्ते आस्ते मजबूत होती गई। इमाम अबू ज़र अली ने एक ऐसी प्रिंसेस के साथ शादी की, वो पर्शियन प्रिंसेस थी, उसके साथ शादी करने के बाद जमात को ताकत मिली, जमात के ऊपर जो नफरत और हुकूमत की तरफ से जो कंट्रोल था वो उठ गया और इमाम अबू ज़र अली के बाद जमात में वापस ताकत पैदा हो गई और आहिस्ता आहिस्ता इमामों ने फिर थोड़ी थोड़ी छोटी मगर थोड़ी थोड़ी हुकूमत शुरू कर दी मौलाना हसन अली शाह के जमाने तक। इनके दरमियान मैं एक वाकया का और जिक्र कर दूं, इमाम अबुल हसन हमारे जो इमाम थे मौलाना शाह खलीलुल्लाह के जो बाप थे, इमाम आगा हसन अली शाह के अब्बा खलीलुल्लाह थे, उनके अब्बा अबुल हसन थे। नादिर शाह दुर्रानी ईरान का राजा था, ये नादिर शाह कोई शाही खानदान में न था, भेड़े बकरियां रखवा करता था यानी ये शेपर्ड था, मगर किसी वजह से ये फौज में लश्कर में आ गया और आखिर तरक्की करते करते राजा बन गया। अभन आदमी था, इलिटरेट था, बड़ा अक्खड़ था और दूर की समझ भी नहीं थी, मगर तलवार इसकी बहुत बड़ी जबरदस्त थी, इसने इर्द गिर्द बहुत से इलाके फतेह कर लिए, सारे ईरान का राजा बन गया, हिंदुस्तान के ऊपर भी इसने हमला किया और दिल्ली के तख्त को उलट पुलट कर दिया। इसकी एक छोटी सी बात कह दूं, मजे की बात है कि ये इसकी टेंडेंसी का पता लग जाए राजा बन गया, लेकिन कोई अकल नहीं थी, अभन था और बिल्कुल अखड़ था, जाहिल था। दिल्ली के राजा को इसने नजर कैद कर दिया। कभी इस किस्म के मुरगन और अच्छे खाने पीने खाए नहीं थे कि जो दिल्ली के मुगलिया दस्तर खान के ऊपर मिले, तो एक दो दिन इसने इतना खाया कि पेट में दर्द होने लगा। और शाही हकीम, बादशाही जो रॉयल हकीम था, वो आया और उसने जब ये हालत देखा कि ये पेट खराब है, तो सोने की प्लेट के अंदर गुलकंद लेके आया। गुलकंद रोज के जो पेटल्स होते हैं, गुलाब के फूल की पंखड़ियां निकाल के उसको शहद के अंदर डालते हैं और तकरीबन 3-4 महीने पड़ी रहे, थोड़ी उसके अंदर इलायची भी डालते हैं, कभी इलायची ना डाली जाए तो बहुत ज्यादा वो लेग्जेटिव बन जाते हैं, बल्कि परगेटिव हो जाते हैं, तो थोड़ी इलायची भी डालते हैं, कुछ बादाम डाले गए। तो वो शाही हकीम ने बादशाह की नाजुक मिजाजी को देख के, कि मुगलिया सल्तनत के बादशाह ऐसे थे, तो 2 चमचे जितनी गुलकंद सोने की प्लेट में डाल के ऊपर चांदी का वरक डाला और सीने में रख के इसके पास लेके गए कि आप इसको खाओ तो आपके पेट की दर्द दूर हो जाएगा। हालांकि चमचे पड़ा था, लेकिन इसने उंगली से ही ऐसा चाटा तो बहुत स्वाद वाली लगी, मजेदार आई, तो इसने सारी खाई तो कहते ब्या बिगड़ ब्या, दूसरी लेके आओ। तो हकीम ने कहा कि सरकार ये इतनी ही खानी चाहिए, तलवार उठा के कहता है कि तुझे मार डालूंगा, लेके आओ। अब क्या करे, बर्नी लेके आया, सारी बर्नी खाई तो 8 दिन तक फिर बस मामला चालू रहा, इतना कमजोर हो गया, अब हाथ जोड़े के मेरे ये पाखाने बंद करवाओ। तो ये इसकी नादिर शाह की एक छोटी सी जोक की बात है। नादिर शाह अक्खड़ जाहिल, मगर इमाम अबुल हसन शाह के पास जाके इसने अर्ज की कि या मौला मैं हिंदुस्तान जाता हूं, हिंदुस्तान बहुत ताकत वाला है, खैर मुल्क है, बहुत दूर है, आप मेरे साथ चलो। मुझे यह कहीं मिल नहीं सका एविडेंस कि वो इस्माइली था, मैं ऐसा भी नहीं कहता कि वो मुरीद था, लेकिन इमाम को आले रसूल समझ के, इमाम समझ के या कुछ भी समझ के, एक बुजुर्ग समझ के, इज्जत बहुत करता था,
और उसको एतकाद भी था। इमाम को बहुत उसने मजबूर किया। इमाम फरमाया अच्छा, हालांकि उस वक्त इमाम अबुल हसन शाह की आंखें भी दुखती थी, तो इमाम अबुल हसन शाह नादिर शाह के साथ हिंदुस्तान आए। जब लाहौर के पास पहुंचे रस्ते के अंदर तो मार धाड़ करता चला आया। इसका नाम पहुंच गया तो बड़ा जालिम और सख्त बादशाह है। लाहौर के जमाने के यनूस जमाने में लाहौर में काफी जमात थी। सारे पंजाब का सेंटर इस्माइलियों का लाहौर में था। गुप्ती थे, किला के चारों तरफ दरवाजे थे, लाहौर फोर्टिफाइड हो गया। इसने बड़ी कोशिश की, कई दिनों तक लड़ा, मगर लाहौर फतह ना हुआ। परेशानी हुई कि कभी ये सीज बहुत ज्यादा लंबा चलेगा तो मेरे लश्कर की हिम्मत टूट जाएगी। महीना हो गया, लाहौर को कोई हिसाब से जीत ना सके। बहुत परेशान हुआ और मौला के पास गया। मौलाना अबुल हसन शाह के पांव पे जाके सर रखा, कहता या सैयदी, एक महीना हुआ, मेरी जिंदगी में कभी ऐसी खराबी हालत नहीं हुई, आप मेहरबानी करो, लाहौर जीता नहीं जाता। हुजूर फरमाया तीन दिन तक चुप रहो और चौथे दिन मेरे पास आना, मैं फिर तुमको दुआ दूंगा। मौला ने एक चिट्ठी लिखी खोज की भाषा में, तीर पे डाल के उसको चलाया तो वो तीर लाहौर के जमात खाने के ऊपर आके गिरा। सुबह परोड़िए दुआ बंदगी वगैरह करके जमात चली गई थी। जो जमात भाई या कामकाज करने वाला ऊपर साफ सुफ करने गया तो एक तीर उसके साथ एक चिट्ठी पड़ी थी। लड़ाई का जमाना था, तीर देख के वो घबरा गया, भागा भागा गया मुखी के पास। मुखी ने कहा जाओ कामड़िया को भी बुलाओ। कुछ बुजुर्गों को बुलाया और ये लोग जमात खाने आए, ऊपर तीर देखा, चिट्ठी पड़ी थी। चिट्ठी खोल के पड़ी तो अंदर खोज की में लिखा था कि मैं तुम्हारा इमाम अबुल हसन शाह तुमको ये हुक्म करता हूं कि तुम हर रोज जो दुआ मांगते हो कि या मौला तू लाहौर नू रख ले, यानी पंजाबी लफ्ज में कहते थे या मौला तुम लाहौर को बचाओ। मौला फरमाया आज से तुम ऐसी दुआ मांगो कि या मौला जमात नू रख ले, यानी जमात को बचाओ, लाहौर का लफ्ज निकाल दो। नीचे साइन किए हुए थे और मोहर लगी थी, आंखों को लगाया इस तालीख मुबारक को और मुखी ने दुआ बदल दी, या मौला लाहौर नू रख ले, उसकी बजाय या मौला जमात नू रख ले। तीन दिन तक जमात ने जब ये दुआ मांगी, चौथे दिन आपने उसको इजाजत दी, अभी हमला करो। हमला किया, लाहौर का किला टूट गया और फतेह हो गई। मौलाना अबुल हसन शाह इसको बहुत दुआ दी, बहुत खुश हुआ और कहा कि या मौला दिल्ली तक मेरे साथ चलो। लेकिन मौला इधर से लाहौर से जमात को फिर दीदार दिया, जमात को मिले और लाहौर से ही वापस हुजूर गजनी चले गए, ईरान, वहां से फिर ईरान चले गए। तो इस तरह से यह इमाम अबुल हसन शाह के जमाने की एक बहुत बड़ी अच्छी ये हाईलाइट है। इमाम शाह खलीलुल्लाह वो बहुत डिबेट करने वाले थे, मगर जो राज था नाशरियों का उसके अंदर मुल्लाओं का बड़ा जोर था। कुम के शहर के अंदर जमात के बहुत से आदमी मारे गए, इमाम खुद भी उसके अंदर शहीद हुए। मौलाना हसन अली शाह मांबाप इमामत की गादी के ऊपर आए, उनकी हिस्ट्री आपको मालूम है। उनकी सबसे बड़ी हाईलाइट ये है कि 300 साल उसके पहले, यानी 400-500 साल पहले जो वादा पीरों के साथ किया था और पीरों ने जो भविष्यवाणी कही थी कि मौला जम्बूद्वीप में आएगा, तो वो चीज मौलाना हसन अली शाह मांबाप ने पूरी की। मौलाना हसन अली शाह मांबाप ईरान छोड़ के अपना रहठान करने के लिए, हमेशा परमानेंट रेजिडेंस बनाने के लिए हिंदुस्तान चले आए और आपको मालूम है कि यहीं इन्होंने वफात पाई और बॉम्बे के हसनाबाद के अंदर हसन अली शाह मांबाप की मुबारक बॉडी पड़ी हुई है। इमाम हसन अली शाह की सबसे बड़ी हाईलाइट उनकी लाइफ की ये थी कि हिंदुस्तान में जम्बूद्वीप में पहली दफा मौला आके रहे और बॉम्बे को उन्होंने दरखाना बनाया और बॉम्बे के अंदर आके अपने फर्जंद पीर अली शाह मांबाप के साथ सारा हिंदुस्तान घूमे। एक एक इस्माइली मुरीद के घर में जाके उनकी गरीबी दूर करने के लिए दुआएं मांगी। मौलाना हसन अली शाह मांबाप की दुआओं की वजह से जमात ऊंची हुई।
और जमात के अंदर ऑर्गेनाइजेशन आई, जमात के अंदर स्टेबिलिटी आई, जमात को बरकतें मिली, जमात को रहमतें मिली, और वो जमात जो मौलाना आसिफ अली शाह मोहम्मद ने बनाई उनके फर्जंदों में आज हम सब यहां बैठे हुए हैं। इमाम अली शाह मोहम्मद की लाइफ के हाईलाइट्स के अंदर एक ये चीज थी कि उन्होंने सारी जमात के अंदर, पीरी जामे के अंदर और अपनी इमामत के जामे के अंदर भी अपने फर्जंद की मारिफत से जमात के जो मजहबी कामकाज से उनको ऑर्गेनाइज किया, और उन्होंने दावत के काम भी बहुत किए, मिशनरीज वगैरह बनाए, और वजीर इस्माइल ने सारे हिंदुस्तान के भक्तों को इकट्ठा करना किया, हर साल तमाम भक्तों को बुला के सेमिनार की तरह सिर्फ गिनान की पार्टी बनाया करते थे। ये तकरीबन 8 दिन तक सिलसिला चला जाता था जूनागढ़ के अंदर, सारे हिंदुस्तान के भक्तों को बुलाते थे, वजीर इस्माइल खुद चेयर लेके, खुद भी बहुत बड़े गिनानी थे। और ये बातें अली शाह मोहम्मद के जमाने की कर रहा हूं। एक महीने तक ये सेमिनार चलती थी, जो कि ऑफिशियली एक वीक के बाद बंद कर देते थे, बहुत से भगत चले भी जाते थे। होता यह था कि सुबह, शाम, दोपहर, सारा दिन ये गिनान के ऊपर चर्चा होती थी। जमात खाने के अंदर रात को 12 बजे के बाद जमात आ जाती थी, गिनान बोले जाते थे, ये गिनानों के बाद वाज होती थी, उसके बाद 3 बजे से इबादत शुरू होती थी, 5 बजे तक इबादत रहती थी, 5 बजे के बाद गिनान बोले जाते थे, उसके बाद दुआ बंदगी और यानी हमारी क्रियाकर्म घटपट वगैरह की होती थी, उसमें गिनान बोले जाते थे। सब जमात जब दुआ पढ़ लेती थी, घटपट की काम क्रिया हो जाती थी, तो बाद में फिर वेंती का गिनान बोले जाते थे। फिर शाम के वक्त मजलिसें बनती थी, शाम को 5-4 बजे से और मगरिब के टाइम तक मजलिसें रहनी, उसमें गिनान और वाज होवे, उसके बाद दुआ पढ़ने से पहले आरती और दूसरे गिनान बोलते थे, पहली दुआ के बाद फिर गिनान बोले जावे वाइज होवे, दूसरी दुआ के बाद फिर मजलिस होवे गिनान बोले जावे। तो आप ख्याल करो कि हर रोज 24 घंटे में कितने गिनान बोले जाते होंगे। तो हुक्म यह था कि एक भगत एक गिनान बोले तो दूसरा भगत उस गिनान को रिपीट ना करे। एक महीने तक यह सिलसिला था, और जूनागढ़ के अंदर गांव में अगर किसी ने एक गिनान आज बोला तो एक बरस तक वो गिनान बोलना नहीं चाहिए, कोई दूसरा गिनान बोला जाए। मौलाना अली शाह मोहम्मद के जमाने के अंदर वजीर इस्माइल ने इस तरह से गिनानों को ऊंचा उठाया, और उन्होंने बड़ी खिदमत की। वजीर इस्माइल के बाद अगर गिनानों की किसी ने खिदमत की है तो वो मुखी लाल जी देवराज हैं, कयामत तक इन दोनों का नाम रहेगा। वजीर इस्माइल, मुखी लाल जी ने गिनानों की बड़ी खिदमत की है। मौलाना इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह के बारे की हाईलाइट्स तो बेहिसाब हैं। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह ने हमको जमीन से उठा के आसमान पे पहुंचाया। मौलाना आसिफ अली शाह के जमाने से हमारी जमात माइग्रेट होके कच्छ और काठियावाड़ से अफ्रीका में आई, लेकिन इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह ने तो इस चीज को बहुत ऊंचा किया। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह ने सबसे पहले काउंसिलें बनाई, इसके पहले काउंसिलों का सिलसिला ना था। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह ने हमारे साथ मजहबी क्रियाकर्म को 1899 में 2 महीने जंजबार के अंदर बैठ के उन्होंने ये सारी क्रियाकर्म ठीक की। मैं पीरी जमे के हिसाब में उनका ये जिक्र कर चुका हूं। काउंसिलें बनाई, कायदे बनाए, हमारे खाने पीने की, हमारे लिबास की, रहने करने की, हमारी डेली लाइफ की बहुत सी चीजें उन्होंने चेंज की, हमारे इकोनॉमिक और सोशल स्ट्रक्चर को ऑर्गेनाइज किया। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह की 72 बरस की इमामत हमारी सारी इस्माइली कौम को आबाद करने के अंदर लग गई, और आज कभी हम यहां कनाडा के अंदर बैठे हैं तो ये भी प्रोग्राम इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह का था। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह ने हमारे ऊपर बेहिसाब एहसान किए हैं। किसी भी इमाम ने इतना काम अपनी जमात के लिए नहीं किया डायरेक्टली जितना इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह ने किया। पीरी जोमे ने किया भी साथ, इमामत का जोमा दोनों साथ थे। ये शाह पीर ने हमारे ऊपर बहुत एहसान किए। देखो मैं आपको एक छोटी सी बात कहूं इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह की। मौलाना इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह जब 1899 के अंदर अफ्रीका में आए, पहली मुसाफरी थी। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह की उम्र 22 बरस की थी। 2 महीने रहे अफ्रीका के अंदर, ऑर्गेनाइज किया, सब कुछ किया।
जमा खानों की बुनियादें डाली। उस वक्त फरमान किया कि मैं तुमको हिंदुस्तान से एक आदमी भेजूंगा, मिस्त्री भेजूंगा कि जो नवा जमा खाना बनावे। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह ने इन लोगों को इकट्ठा किया। हमारे अंदर वो जमाने के अंदर इस नाशरी एलिमेंट मिक्स हो चुका था। इमाम चले गए और उसके एक ही बरस के अंदर अंदर इस नाशरी मजहब की तरफ वलन रखने वाले आदमियों को अपने मजहब से निकाल दिया गया और ये इस नाशरी जुदा हो गए। 1900 के अंदर माँ बाप ने हिंदुस्तान में और 1901 में तालिके मुबारक से बयान करके अफ्रीका के अंदर भी इन्होंने काउंसिलें बनाई, लेकिन काउंसिल की ओपनिंग मौला ने 1905 में अपने हाथ से की। काउंसिल किस तरह चलाई जाए माँ बाप ने खुद बैठ के ये बताया, कायदा कानून बनाए। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह ने 1899 के अंदर अपनी बाइयों को देख के कहा कि जिनके बड़े बड़े घूंघट थे, छेड़ा निकालती थी, किसी को मुंह नजर नहीं आता था, और मन किया ये छेड़े निकाल डालो। तमाम औरतों ने अपने घूंघट ऊंचे कर दिए। फरमान किया हर रोज आगा खान क्लब तक जाओ घूमने के लिए, और स्कूल बनाए लड़कियों के, औरतों को एमेंसिपेट किया इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह ने। उस जमाने के अंदर कोई दूसरी कौम ने अपनी औरतों के लिए इतनी मेहनत नहीं की जितनी के इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह ने उनको आजादी दी। फरमान किया कि अगर लड़का और लड़की है तो दोनों को सिखाने के लिए पैसे नहीं है तो लड़के को तुम इलिटरेट रहने दो, मगर लड़की को सिखाओ ताकि जमात अच्छी तरह से बन सके। औरतों की मजलिसें बनाई, औरतों को काउंसिलों के अंदर मेंबर बनाया। 20-25 बरस के बाद दूसरी कौमों ने हमें फॉलो किया। हमेशा से ये चला आता है कि हम दूसरों से आगे रहे। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह की एक बात जो सबसे बड़ी हाईलाइट्स में है तो वो अपने मजहब को जाहिर करने की थी, और वो है हाजी बीबी का केस। अगर ये जाहिर में हाजी बीबी का केस हमें ऐसा लगता है कि मौला की एक कजिन सिस्टर थी हाजी बीबी, और मुच्छल शाह उसका हस्बैंड, वो भी कजन ब्रदर होता था, इन दोनों ने इमाम के सामने बॉम्बे हाईकोर्ट में जो केस किया तो उसकी जबानी और विटनेस की जबानियां लेने के लिए हाजी कामरिया इधर तक आए, अफ्रीका तक, और यहां से आके तो उन्होंने जबानियां दी। हाजी बीबी का केस बहुत टाइम तक चला। हाजी बीबी के केस की जो प्रोसीडिंग्स हैं वो कभी मिल सके तो उसको जरूर पढ़ो, खासतौर पर आवाज करने वाले और जो टीचर्स हैं उनको तो ये जरूर पढ़ना चाहिए। इस्माइली मजहब की सारी क्रियाकर्म कोर्ट के अंदर की गई, कोर्ट में नांदी की गई, कोर्ट के अंदर घटपाट न्याज निकाला गया, कोर्ट के अंदर दुआ पढ़ी गई, जमात खाना बना के जमात खाने की तमाम रीत रस्म रिवाज बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर यानी डिस्प्ले की गई, और एक एक चीज का उसका एक्सप्लेनेशन दिया गया। उसके अंदर जबानी देने वालों में सबसे अच्छी जो पावरफुल जबानी जिसका असर बहुत पड़ा, इफेक्टिव चीज थी, वो मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह की मां माता सरकार जो थी उनकी जबानी थी। कोर्ट में आके मौलाना इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह की मां ने जबानी दी कि मेरा बेटा इमाम है, और इमामत के ऊपर जो उन्होंने कहा वो चीजें पढ़ने जैसी है। हाजी बीबी के केस को मैं सबसे बड़ी हाईलाइट समझता हूं। उसके बाद हमारा मजहब दुनिया के सामने पब्लिक में आ गया और जाहिर हो गया। खुद इमाम ने यह बात कही थी कि हाजी बीबी के केस की वजह से हमारा मजहब जाहिर हुआ और दुनिया में पता लगा कि मजहब क्या है। हाजी बीबी के केस और इसके पहले अलीशा हसन अलीशा मां बाप के विरुद्ध में जो केस हुआ जिसको हम खोजा केस कहते हैं 1866 का, उस केस के अंदर भी हमारे मजहब को बहुत तकवीयत और ताकत मिली। दो बातें बनी, एक तो ये कि हमारा ईमान क्या है, हम अपने हाजिर ईमान को क्या समझते हैं, एक ये चीज जाहिर हुई। दूसरी ये चीज जाहिर हुई कि ये दो चीफ जस्टिसेस ने एक 1866 के केस में और एक दूसरा 1905 के केस के अंदर, इन्होंने जजेस ने स्टडी करने के बाद हिस्ट्री की तमाम एविडेंस लेके इन्होंने ये डिक्लेयर किया कि ये लोग आले रसूल सच्चे हैं और अनब्रोकन सक्सेसिंग लाइन के अंदर चले आते हैं, अली से लेके मौलाना हसन अली शाह तक और अली से लेके इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह तक बॉम्बे हाईकोर्ट के केसेस के चुकादे के अंदर ये चीज जाहिर की गई। एक बहुत बड़ी हाईलाइट थी। और
एक और हाईलाइट इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह का जो मैं जिक्र करूं तो वो ये था कि इमाम ने अफ्रीका की जमात को मजबूत किया और हिंदुस्तान से आदमियों को निकलवाना शुरू किया। अफ्रीका की जमात को मजबूत करने के बाद इमाम ने एक तालिका भेजा था 1953-54 में कि तुम लोग यहां से, खासतौर पर तंजानिया तंगानिका वालों को कहा कि तुम कांगो की तरफ जाओ, बेल्जियम कांगो। मगर बेल्जियम कांगो जब भी जाओ तो तुम ईस्टर्न साइड के अंदर रुआंडा बुरुंडी में ही नहीं रह जाना बल्कि एटलांटिक के शोर तक पहुंचो, यानी किनशासा और मटाडी तक जाओ। फिर इमाम ने उस तालिके में फरमाया कि इंशाल्लाह फ्यूचर के अंदर एक दिन आएगा मैं तुमको कहूंगा कि तुम अभी एटलांटिक क्रॉस करो। तो आज हमने एटलांटिक क्रॉस करके कैनेडा के अंदर जमात बनाई है। यह इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह की विजन थी और उनका प्रोग्राम था। मौलाना हाजर इमाम ने एक जगह फरमाया कि ईदी अमीन ने जब झगड़ा शुरू किया तो आई टुक ए कैलकुलेटेड रिस्क, पहले से प्लान बना के रखा था, सिर्फ अपॉर्चुनिटी देख रहे थे। ये इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह के बारे की बातें हैं। लेकिन आज हमारे इमाम के बारे की हाईलाइट्स में सबसे बड़ी ये चीज है कि कनाडा में, मैं 1963 में इधर कनाडा आया तो ओटवा में सिर्फ एक इस्माइली था, सफदर अली इस्माइली था उसका नाम पंजाबी, आज भी वो उधर ही है। अभी ओटवा में नहीं है कि मैं किसी और जगह है, तो एक इस्माइली मुझे मिला, बाकी सारे कनाडा में एक भी इस्माइली 63 में नहीं था। मगर आज देख लो, आज 36,000 इस्माइली कनाडा में है और इमाम की गोल्डन जुबली होगी इंशाल्लाह, आप सब देखोगे और शायद मैं भी देखूं। उस वक्त 1,00,000 इस्माइली नॉर्थ अमेरिका में होंगे इंशाल्लाह। इमाम जमान की ये बड़ी में बड़ी हाईलाइट है। इमाम जमान की और भी बड़ी कृपा ये हुई कि हमारी जो स्कूल यानी एजुकेशन और हेल्थ सिस्टम्स वगैरह और ये जो प्लेटिनम हॉस्पिटल और ये हॉस्पिटल जो कराची के अंदर आगा खान यूनिवर्सिटी बन गया, हजर इमाम की इमामत के बारे में और हजर इमाम की पीरी जमे के बारे के अंदर, ये मामूली चीजें नहीं हैं। और हम सब मौलाना हजर इमाम के उसकी गुलामी और मुरीदी में हैं और उसके शुक्रगुजार हैं। मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। इस्माइली एसोसिएशन का शुक्रिया अदा करता हूं, या नॉर्थ वेस्ट जमात खाने के मुख्य कैमरे का, खसूस तौर पर आप सब जमात का एक एक का शुक्रिया अदा करता हूं। आपने शांति से आराम से मेरी लेक्चर सुने, किसी को सवाल करना है तो मैं 10 मिनट देने को तैयार हूं। मैं आपका बहुत शुक्राना अदा करूं। मौला आपको सुखियाबाद करे, इमाम की सलामती देवे, आपके इलम में ज्यादा करे, मौला आपको हिम्मत देवे, दीन दुनिया में आबादी और चढ़ती करे, आपको आपकी आल औलाद को दीन दुनिया में सुखी आबाद करे। मौलाना हज़रत इमाम अपना फरमान बरदार बनाए, तमाम मुश्किल मुसीबतें बलाएं दूर करे और बिल्कुल फ्यूचर में भी कभी कोई बलाएं आफत आने ना देवे, हमेशा अपनी पनाह में छतर छाया में रखे, कुटुंब कबीलों में जमातों में सुख शांति सलाह सब मोहब्बत इत्यादि।